तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई पुलिस वैन, 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं। यह आरोपियों की धरपकड़ के लिए महाराष्ट्र की पुणे से आई पुलिस टीम हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार की वजह से पुलिस जवानों को ले जा रही गाड़ी नंबर UP32CZ8414 अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 6 पुलिस वालों समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर शामिल है। सभी घायलों को बहराइच के नानपारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बहराइच रेफर कर दिया गया। कितने लोग थे साथ में आपके? 6 लोग। ज्यादा चोटें कितने लोगों का? 7 लोग इंजर्ड होकर के आए थे, ड्राइवर के साथ 6 लोग और भी थे। ड्राइवर अनकॉन्शियस था, बट नाउ वो ओके है। सभी लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे के बारे में जानकारी दी। गाड़ी 80-90 की स्पीड में और 100 का हाउ 100 की स्पीड में और जैसे ब्रेक एक ली है तो दाहिनी ब्रेक को की लगी नहीं, बाई पकड़ी और सट दे गाड़ी घूम गई। दरअसल पुणे से आई पुलिस टीम फरार आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी। फिलहाल आरोपी तो नहीं मिला, तेज रफ्तार ने उनकी जिंदगी को जरूर खतरे में डाल दिया।